अक्षय जी आपके ठीक सामने, अक्षय जी आपके ठीक सामने यहाँ। अक्षय जी, हम सारी दुनिया जानती है कि इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग मौजूद हैं सभी जानते हैं कि आप जो है तंबाकू, बीड़ी, पान, गुटखा, इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी दूर हैं। लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कई सारे एक ऐसे एक्टर हैं, इवन कुछ एक ऐसे भी एक्टर हैं जो आपके काफ़ी करीबी दोस्त हैं, वो इन सारी चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं। तो आप उन्हें कहना चाहेंगे कि आप स्वर्ण साथी यूज़ करें और आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो सेवन करते हैं आप ये छोड़ दें? अक्षय जी, अगर आपको मेरी आवाज़, सरकार आप इतने दूर हो मुझे सुनाई नहीं दिया, आप क्या कह रहे हो? आवाज़ थोड़ी धीरे, आप माइक के पास आ जाइए। हाँ जी, माइक है मेरे पास, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अक्षय जी, हम सभी जानते हैं कि आप जो है गुटखा, तंबाकू, इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर हैं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसे एक्टर हैं जो कि इनके काफ़ी इन सारी चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं। तो आप चाहेंगे, कुछ एक आपके काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो दोस्त हैं ये स्वर्ण साथी यूज़ करें और आप चाहेंगे कि वो तंबाकू, बीड़ी, ये सारी चीज़ें छोड़ दें? हाँ जी बिल्कुल, मैं कौन नहीं चाहेगा, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, जिसके लिए भी हो, स्वर्ण साथी सबके लिए है। और मैं चाहूँगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें, और बुरी चीज़ नहीं है ये, बहुत अच्छी चीज़ है, लाभदायक चीज़ है। एंड ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर होते हैं उससे लड़ती है, और मैं यही चाहूँगा। बल्कि अभी हाल ही में दिवाली आएगी तो कई लोगों को मैं हैम्पर बना के भी भेज दूंगा इसके बारे में। जी जी जी। अच्छा जी, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप अपने दोस्तों का कि जो इन सारी चीजों को छोड़ दे? क्यों बेटा, तारे ताकि तेरा चैनल चल जाए। हाय अक्षय। ओके अक्षय जी, टॉयलेट एक प्रेम कथा जो है, एक आखिरी सवाल, टॉयलेट एक प्रेम कथा चाइना में भी रिलीज हो रही है, उसका नाम है टॉयलेट हीरो, चाइना में काफी अच्छा बिजनेस होता है, अगर आप कुछ कहना चाहें, कितने एक्साइटेड हैं आप? बेटा उसके बारे में आप और मैं वार्तालाप बाद में करेंगे। ओके ठीक, आओ पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाय अक्षय। जी सर। जी जी अक्षय, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, जिसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं या गुटखा होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं बड़ी फीस लेकर। क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के, और ख़ासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तब? तो ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एंड जो गलत है सो गलत है। और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं, सो आई होप हम इसे पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट डू इट। थैंक यू। थैंक यू जी। किसके बारे में सर? अभी जो इमोशनल पैक के बारे में जो बात हो रही है जी, बेटा आपका क्या कहना है सर? जी मुझे अच्छी लगती है, मैंने बताया, जो जो लोगों को अच्छी लगे वो खाएं, आपको अच्छी लगे ना खाओ, ठीक है भैया? तो इसमें कोई कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ तो है नहीं है, जिसको अच्छा लगे खा लें। और जहाँ तक कि इमोशनल इमोशनल ऐसा थोड़ी कुछ कर रहे हैं हम, इसके इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मुझे अच्छे लगे, मैंने उसके बारे में पता किया, छानबीन की, मुझे अच्छी लगी, मैंने किया। वरना ऐसा तो है नहीं कि मुझे एड्स की कमी है, फिल्मों की कमी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, पैसों की कमी है, भगवान ने सब कुछ दिया। तो मुझे एक बात अच्छी लगी, मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊँ, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है जी? इसलिए आप अक्षय कुमार हो सर।